News 18, India. इधर राजस्थान की राजधानी जयपुर में बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य के खिलाफ मुस्लिम समुदाय की छात्राओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाली छात्राओं ने आरोप लगाया कि उनके स्कूल में पहुंचे बीजेपी विधायक ने उनसे धार्मिक नारेबाजी करवाई और उनके हिजाब पहनने पर रोक की मांग की। इसी से नाराज सैकड़ों की संख्या में सरकारी स्कूल की मुस्लिम समुदाय की छात्राओं ने थाने का घेराव कर दिया और कई घंटों तक थाने के सामने नारेबाजी की और हंगामा किया। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर पहुंची मुस्लिम समुदाय की छात्राओं ने आरोप लगाया कि गणतंत्र दिवस पर बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य उनके स्कूल आए थे, इस दौरान उन्होंने वहां धार्मिक नारे लगवाए थे। मुस्लिम छात्राओं ने आरोप लगाया कि बालमुकुंद आचार्य ने स्कूल प्रशासन से हिजाब पहनने पर भी रोक लगाने की बात कही थी। बालमुकुंद आचार्य की बातों से भड़की मुस्लिम समुदाय की छात्राओं ने सुभाष चौक थाने का घेराव कर दिया। शुरुआत में 20-25 छात्राओं ने थाने के सामने प्रदर्शन शुरू किया, लेकिन बाद में बैनर पोस्टर लेकर सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम छात्राएं वहां पहुंच गईं। सभी ने बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। हालांकि थाने के बाहर हंगामा कर रही छात्राओं को ACP ने कार्रवाई का भरोसा देकर शांत करा दिया। बालमुकुंद आचार्य जयपुर की हवा महल सीट से बीजेपी के विधायक हैं। चुनाव जीतने के बाद से ही वो अपने बयानों और एक्शन को लेकर चर्चा में हैं। और गणतंत्र दिवस के मौके पर तो सरकारी स्कूल में पहुंचकर उन्होंने मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने से रोकने की बात कह दी। गणतंत्र दिवस पर सरकारी स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे बालमुकुंद आचार्य ने वहां नारे भी लगवाए थे। सरस्वती माता की, कुछ बच्चियां नहीं बोल रही, क्या बात है, मना किया है क्या? बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य पिछले साल विधानसभा चुनाव जीतने के अगले ही दिन मास्क की दुकानों को बंद करवाने निकल पड़े थे। उस दौरान पुलिस अधिकारियों से उनकी बहस भी हुई थी। उनके उस एक्शन पर भी काफी हंगामा हुआ था और आरोप लगा था कि उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को निशाना बनाया था। हालांकि बाद में बवाल बढ़ने के बाद बालमुकुंद आचार्य ने माफी मांग ली थी, लेकिन इस बार हिजाब वाले बयान पर हंगामा होने के बाद भी बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य अपने बयान पर अड़ गए। सरकारी स्कूल में हुई घटना पर उन्होंने दो टूक कह दिया कि स्कूलों में पढ़ने के लिए एक जरूरी ड्रेस कोड है जिसका पालन हर किसी को करना चाहिए। मतलब ये कि बालमुकुंद आचार्य सरकारी स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी लगाने वाले अपने बयान पर कायम है। उन्होंने अपनी बात को सही ठहराने के लिए कई तरह के तर्क दिए। फिर हमारे भी बच्चे बच्चियां कल को लहंगा चुन्नी पहन के या कोई और ड्रेस कोड लगा के अलग अलग कलर के अलग अलग रूप में आएंगे। गणतंत्र दिवस पर सरकारी स्कूल में धार्मिक नारे लगवाने के आरोपों पर भी बालमुकुंद आचार्य ने सफाई दी। सरस्वती का अर्चन करेंगे, सरस्वती का श्लोक बोलेंगे, उस पर भी आपत्ति है। भाई ये क्या बात हुई, वो विद्यालय जो है उस विद्यालय में सबके लिए नियम बराबर है साहब। सरकारी स्कूल में धार्मिक नारे और मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने पर रोक का मुद्दा राजस्थान की विधानसभा में भी गूंजा। बालमुकुंद आचार्य के बयान पर कांग्रेस ने सवाल उठाया। मैं पूछना चाहता हूँ, किसे जीते जाते हैं? क्या संविधान लागू हुआ उसी दिन संविधान का उल्लंघन करते हो? काफी देर तक सदन में इस मुद्दे पर हंगामा हुआ। बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर तुष्टिकरण की राजनीति करने के आरोप मढ़े।